तो आज हम लोग डिलीवरी ले रहे हैं MT-15 की, और बाइक लेने से पहले हमें क्या क्या चेक करना चाहिए बाइक के बारे में, वो इसको मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ। सो दिस इज़ द ब्रांड न्यू MT-15 BS6 कस्टम कलर। कस्टम कलर कॉस्ट अराउंड 5000 रुपीज़। ये ब्लू और वाइट, आइस वाइट है, और ये ब्लू कलर है इसका रिम का। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं फ्रंट से, हमें क्या क्या चेक करना चाहिए। पहली बात तो ये ड्यूअल थ्रॉटल है, तो पहले हमें चेक करना चाहिए कि इसका थ्रॉटल फ्री प्ले कितना है। जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा है फ्री प्ले, तो इसको हमें एडजस्ट करवाना पड़ेगा। अभी इसका फ्री प्ले बहुत कम होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मैनुअल 0.2 से 0.3 होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा है, तो ये एक चेक करना है हमें। ड्यूअल थ्रॉटल केबल्स हैं, इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी चेक कर लेनी चाहिए हमेशा, अच्छी है कि नहीं। फिर ये इसके रबर सील्स है, यहाँ पर पानी नहीं आना चाहिए इसलिए होते हैं, इनको भी चेक कर लो अच्छे से। जैसा कि आप देख सकते हो इसके अंदर लॉक करने के लिए भी कुछ तो है सिस्टम। फिर ये ब्रेक कैलिपर है इसका, ये भी आप अगर देखोगे तो इसमें जापानीज में इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस मीन्स कि ये ओरिजिनल पार्ट है, एकदम लीक बिल्कुल भी नहीं है, एकदम ब्लैक कलर है अच्छे से, कोई लीक नहीं है यहाँ पे। और ये जो ब्रेक लाइन है इसको भी आपको चेक कर लेना है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कोई लीक्स नहीं है। इस गाड़ी को शोरूम से, मतलब गोडाउन से लेकर आए हैं, तो कोई लीक नहीं है इसमें। और ABS गाड़ियों का ये जो लीवर है ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये हार्ड तब होगा जब गाड़ी चालू होगी और ABS यूनिट चालू होगा गाड़ी का, तब ये वापस हार्ड हो जाएगा, अच्छा वाला फील होगा इससे। फिर ये इसके स्क्रूज हैं, इस पर थ्रॉटल का पूरा असेंबली है, यहाँ पे किल स्विच है इस गाड़ी का, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये। ये इसका डिस्प्ले है सामने। डिस्प्ले के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक स्क्रीन गार्ड ले लो और इस पर लगा दो, क्योंकि इस पर बहुत स्क्रैचेस आते हैं, बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा लोगों का स्क्रैच हो गया होता है, तो मेक श्योर कि आप वो कर लो। क्लच ऑपरेशन देख सकते हो आप, एकदम लाइट है, वन फिंगर पर इसका क्लच चल सकता है, स्लीपर क्लच का ये फ़ायदा है इसका, तो ये भी आप मेक श्योर करो कि अच्छे से चल रहा है क्लच, कोई टेंशन नहीं है वन फिंगर पर। पिंकी फिंगर से भी आप देख सकते हो मैं खींच सकता हूँ इसको, कोई टेंशन नहीं। इस पर अभी अभी पॉलिश मारा गया इसको चमकाने के लिए, तो थोड़ा अजीब फील हो रहा है, ग्रीसी ग्रीसी लग रहा है छूने में। इसका टैंक है, टैंक का कलर भी आप एक बार अच्छे से देख लो, कहीं कुछ ख़राब तो नहीं है। यहाँ के फेयरिंग के जो गैप्स हैं वो सब देख लो, हर चीज़ को यहाँ पे पॉलिश किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो 20 रुपये का डैशबोर्ड पॉलिश आता है, वही ये लोग लगा देते हैं कहीं भी, सब यहीं पे लगाया हुआ है पूरा। बल्ब लाइट्स हैं इसकी, LED नहीं आती सैड। ये इसका फ्रंट फेस है जो कि काफ़ी सेक्सी दिखता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये जो रेडिएटर का पार्ट है, इसमें हमें देखना है कि कोई बेंट फिन तो नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हो कोई बेंट फिन नहीं है अभी। काफ़ी अच्छा है वो भी। ये इसका ब्रेक कैलिपर भी देख लेना है कि यहाँ पे कोई लीक तो नहीं है, कलर तो नहीं निकला हुआ है इसका, क्योंकि कलर अगर निकल गया है मतलब ये लीक हुआ था और इसको साफ़ किया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छे कलर में है। ये इसका ABS सेंसर है जिसको निकाल के रखा गया है, क्योंकि जब तक गाड़ी की पासिंग नहीं होती है नहीं लगेगा, तो आपका स्पीडोमीटर भी बंद रहेगा और आपका ABS भी बंद रहेगा, इसकी वजह से ये निकाला हुआ है। और ये इसका नीचे का काउल है, ये भी अच्छे से लगा हुआ है, इसको चेक भी किया गया है। ये इसका ऑयल फिल्टर है, कोई लीक्स नहीं है, अच्छे से देख लेना है यहाँ पे। और क्योंकि गाड़ी वॉशरूम में आने के बाद ये लोग वॉश करते हैं एक बार, तो अभी सारे लीक्स तो अभी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन फिर भी एक बार देख लो, क्या भरोसा कुछ छूट गया हो। इंजन का हेड देख लो अच्छे से, यहाँ पे कोई लीक तो नहीं है। ये इसका स्पार्क प्लग का हाउसिंग है, काफ़ी ओपन है उस हिसाब से इसका स्पार्क प्लग का, वो इतना अच्छे से कवर्ड नहीं है। और इसका ये लिक्विड कूलिंग का इसका सिस्टम है, ये तो दोनों पाइप्स लिक्विड कूलर रेडिएटर में जाते हैं। यहाँ पे अंदर फैन भी है अगर आपको दिख रहा है तो। ये गाड़ी का चेसी नंबर, मॉडल नंबर, हर चीज़ कब बनाई गई थी, क्या कलर था, किस कलर के लिए बनाया गया था, ये सब लिखा हुआ होता है इस पर, तो इसका आप क्रॉस चेक करो पूरा अच्छे से। ये इसका रियर है,
इसके अंदर भी अगर आप देख सकते हो फ्लूइड हाफ पे है, वहाँ पे मार्क किया हुआ है उन लोगों ने, क्वालिटी चेक वालों ने, परफेक्ट है। ये भी ये सारे स्क्रू स्टेनलेस स्टील के लग रहे हैं। आई होप ये सब जल्दी रस्ट ना हो, क्योंकि बजाज की मैंने काफ़ी बाइक्स में देखा कि ये रस्ट हो रहा था। ये सब काफ़ी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, ये सब इसका फिनिश भी, ये सब जो शाइन हो रहा है ये लोगों ने पॉलिश लगा दिया है पूरा, इसीलिए इतना अजीब लग रहा है देखने में। व्हील्स को भी अब चेक कर लेते हैं। व्हील्स का जो ये प्रोफाइल होता है, इस पर लिखा होता है कि व्हील्स को कब बनाया गया था। जैसा कि आप देख सकते हो पूरा पॉलिश लगाकर चमकाया हुआ है फेक, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले तो एरो देख लो, ये एरो इस साइड होना चाहिए, हमेशा हमेशा पीछे की तरफ होना चाहिए एरो दोनों टायर्स पे। और इसका जो MRF का टायर है, ये 140 सेक्शन का टायर है, बहुत इस पर पॉलिश लगाया है। अच्छी तो ख़राब लग रहा है हाथ लगाने में। MRF के रेबजीज हैं, यहाँ पर रेबजी लिखा हुआ है। ये 121 का टायर है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। 01 फर्स्ट मंथ का टायर है, 21 का काफ़ी ओरिजिनल टायर है, नया टायर है एकदम लगाया हुआ गाड़ी के अंदर। इसका मतलब है कि गाड़ी कस्टम बन के आई है सच में, इसलिए इसके अंदर नए टायर्स लगे हुए हैं। ये इसका टेक्सचर है यहाँ का पीछे का, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये पॉलिश लगाया हुआ है इसलिए चमक रहा है इतना। ये इसकी चेसी का पार्ट है, ये पीछे का चेसी का पार्ट नहीं है, ये जुड़ा हुआ है, लेकिन ये प्योर मेटल है बीच में पूरा, यही पूरा फ्लैंज को पकड़ के रखता है। ये चेक कर लेने के बाद आपको ये भी चेक कर लेना है कि ये अच्छे से ऑपरेट हो रहे हैं कि नहीं, फ्री प्ले कितना है। जैसा कि आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है फ्री प्ले, काफ़ी सेक्सी क्वालिटी है ये भी। और ये रिट्रैक्टेबल होता है, इसका रिट्रैक्टेबल का स्प्रिंग भी देख लो अच्छे से हो रहा है कि नहीं। इसका फ्री प्ले भी आप देख लो, जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा है अभी फ्री प्ले, इसका मतलब गाड़ी को अभी तक सेट नहीं किया हुआ है। और इसमें जो ऑयल, जो चेन में जो ऑयल लगी है वो अच्छी क्वालिटी की ऑयल है, मतलब अच्छे क्वालिटी का ल्यूब है वो, इसलिए ज़्यादा इसमें से अभी तक डस्ट आया नहीं है बाहर। इंजन को एक बार अच्छे से फिर से देख लो इस साइड से भी कि कोई ऑयल लीक है कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हो एकदम चमक रहा है। ऑफकोर्स यामाहा की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, उनसे ऐसे गलतियाँ जल्दी होती नहीं है, फिर भी अपना काम है चेक कर लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। परफेक्ट है यहाँ से भी गाड़ी, कोई टेंशन नहीं। सारा सारा लाइंस, सारा बॉडी लाइंस गाड़ी का, फ्रेम के साथ जो गैप है वो हर चीज़ चेक कर लो एक बार अच्छे से, कुछ नहीं है प्रॉब्लम। ये इसका फ्यूल लिड है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फ्यूल लिड है, CBR के जैसा नहीं है, हल्का बहुत अच्छा बनाया हुआ है ये भी। इसका ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये यहाँ से अंदर पानी जाएगा, और अगर इसका वो होल अगर ब्लॉक्ड होगा तो उसमें से पानी नहीं निकलेगा और टैंक में चला जाएगा, तो उसमें हमेशा ध्यान देना पड़ेगा इसको। ये बाकी तो बढ़िया लग रहा है सब, बहुत अच्छा है बाकी सब तो। गाड़ी काफ़ी कॉम्पैक्ट है, काफ़ी छोटी है साइज़ में। ये मेरा 5 फुट का दोस्त है, इसके सामने भी ये छोटी है। ये एक बार ये लोग फाइनली क्लीन करके दे रहे हैं बाइक अच्छे से। सर्विस काफ़ी अच्छी है इनके शोरूम की, काफ़ी अच्छे से बात करते हैं, प्रोफेशनल है बात करने में भी ये लोग। आवाज ही नहीं आया चालू होने का उसका मेरे को। अपर डिपर का, हाँ ठीक है ठीक है। अभी इधर नहीं, इधर देखिए, इधर रास्ते। ओ हो 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 हो, नाइस नाइस। लाइट चार्ज कर लीजिए।